अस्सलाम वालेकुम जनरल रहीम शरीफ साहब, ये मैं झेलम कैंट में खड़ा हूँ और पीछे आपको चुंगी नज़र आ रही होगी, ये झेलम कैंट की चुंगी है। और मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि यह अलियाने इलाका हमारे इंतहाई शरीफ लोग हैं, आर्मी ने ये रास्ता बंद करने की एक नई एफर्ट का आगाज़ किया है जो कि अलियाने इलाका पर मैं समझता हूँ जुल्म है, ज़्यादती है, क्योंकि ये लोग इंतहाई शरीफ हैं। इनकी शराफत की मैं आपको दो चार मिसालें दे सकता हूँ कि इस इलाके से तीन चार रोडें जो हैं वो शहर को जाती थी। पहले एक रोड बंद की गई डेयरी फार्म वाली, फिर दूसरी मिडिल रोड बंद की गई, उसके बाद अब ये जो है मेन रोड, ये तीसरी बंद करने की ट्राई की जा रही है, जिससे कि आवाम को इन्होंने एक नोटिस दिया है कि अप्रैल से पहले पहले आप अपने कैंट पास बना लें। अब आप ये जाने, ये समझने की कोशिश करें कि ये यूनियन कौंसिल कोटला फकीर इलाके की सबसे बड़ी ज़िला जेलम की यूनियन कौंसिल है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। मैं ये आपसे इल्तिजा भी करूँगा, दरख्वास्त भी करूँगा कि ये जो ज़्यादती आवाम के साथ हो रही है, ये हमने समझ में भी आई है और आमुल फैम इंसान समझ भी सकते हैं कि ये रातों रात ये काम नहीं हुआ, इसके पीछे लॉबिंग हुई है और आवाम को ये परेशान करने का और रेवेन्यू इकट्ठा करने का, सालों साल कौन कार्ड बनवाएगा, सालों साल कौन जाएगा, और परेशान करने की एक कोशिश की जा रही है, जो कि मैं आपसे अपील करूंगा कि इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, आवाम के लिए इंतहाई ये परेशानी का बायस बनेगी। और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो हमारे आने वाले लोग हैं, मेहमान हैं, एक CMH हॉस्पिटल है, ये इलाके के लिए परेशानी नहीं बल्कि पूरे ज़िला जेलम के लिए परेशानी का बायस बनेगी। मेरे खुद सबसे ज़्यादा इस एरिया में मेरे घर से पाक आर्मी को लोग जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ये आपको सिर्फ एक लोकल जो आर्मी के जो आपके इधर कमांडेंट बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा मशवरा दूंगा कि खुदारा खुदारा आप इधर अपना चेक बढ़ा दें। आर्मी ने सिर्फ दो जंगें लड़ी हैं, 1965 की और 71 की, उसके बाद आप रिहर्सल ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप रिहर्सल करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इधर सहूलतें दें, ज़्यादा आर्मी की गार्ड बढ़ा दें। यहाँ पर कहा जाता है जी कि सिक्योरिटी इशू, सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू GHQ है, जहाँ के चारों तरफ से रोडें गुजर रही हैं, आवाम गुजर रही है, तो खाम खा ये आवाम को परेशान करने के लिए पता चला कि जी पीछे से कोई लिंक रोड का इजाज़त भी हो चुकी है। तो ये लोकल जो हमारे सियासतदान हैं या के लोकल जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनों की या जायदादों की वैल्यू बढ़ाने के लिए वहाँ पर रोड लिंक शायद बना दिया है या जो भी हो रहा है, इसके पीछे मैं ये आपसे अपील करूँगा, हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि आवाम पर रहम किया जाए और जो अलियाने इलाका है उनकी सहूलत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।